टीकमगढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुषमा यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने गुरुवार की शाम ताल दरवाजा स्थित जिला कांग्रेस के कार्यालय में शाम करीब 6 बजे एक प्रेस वार्ता रखी। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मिश्रा एवं टीकमगढ़ नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षद पप्पू मलिक सहित कांग्रेस के अनेक नेता कार्यकर्ता सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती सुषमा यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि मेरे पति एवं मेरे बेटे शाश्वत सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि ना उनके पास कोई हथियार था और ना ही किसी प्रकार की मारपीट की गई है, क्योंकि यह मामला पूरा प्रशासन के समक्ष हुआ था जहां पूरा पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। उसके बाद भी झूठा मुकदमा दर्ज कर झूठी धाराएं लगाई गई हैं जो उचित नहीं है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। एमएलए रहे, पूर्व मंत्री रहे, कभी कोई प्रकरण दर्ज हुआ बताया? आज जनता भी बताया कि किसी को उन्होंने मारा हो या किसी को उन्होंने टॉर्चर किया हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि वहाँ जब ग्रुप कैप्चरिंग हो रही थी और वो सीता भाई उसको वोट नहीं डाले थे, जब वो वन के बाहर रही उसको वोट नहीं डाले थे, जब लोग कार्यकर्ता जाने नहीं दिया गया, पुलिस यहाँ घेर पूरी पुलिस खड़ी थी, हमारे कार्यकर्ता बेचारे परेशान हो गए। जनता ने सोच लिया था मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा तो उसने कांग्रेस को वोट दिया, आज देखिए तस्वीर सामने है। और अगर यही हरकत रही बीजेपी की तो जनता कहाँ, जनता जो चाहेगी वो करेगी, जनता अपना मतदान खुद करती है, स्वयं जानती है किसको मतदान करती, किसी के दबाव में जनता नहीं आती, जनता किसी के दबाव में नहीं, जनता निष्पक्ष अपना वोट डालती है उसको जिसको मन होता। आज उसने दिखा दिया आपको कि कितने आए हैं सब प्रत्याशी जीत कर पार्षद नगर पालिका को सूखा साफ कर देंगे, एक तरफा जीती है कांग्रेस सारे प्रत्याशी। आज वर्तमान स्थिति में अभी जिला पंचायत की नवनियुक्त सदस्य चुन के आई आदरणीय सुषमा सिंह जी, आप सबसे रूबरू हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा इस बात की बताई कि क्या वास्तव में ये सब ठीक है। इसके पूर्व में भी अभी थाने में जाके इस मामले को बताया था, सीताबाई कुशवाहा ने भी जो आवेदन राकेश गिरी विधायक और यशराज गोलू के खिलाफ आवेदन किया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस जब भी किसी भी प्रकार का संवैधानिक कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, 144 धारा अभी लागू है और जैसे ही ये ख़त्म होगी अभी आचार संहिता भी लागू है, एक एक कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम समझते हैं कि बहुत बृहद आंदोलन जिसमें संपूर्ण प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी होंगे और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, यस, और ये लड़ाई तब तक होगी जब तक निष्पक्ष जांच ना हो। धन्यवाद। इसको लेकर क्या चाहेंगे आप? उन लोगों की यही इच्छा थी नगर पालिका हार जाए अरविंद सिंह जी, एक ये सोचती। दूसरा उनका ये था, मैं जिला पंचायत सदस्य जीत के आई, उन लोग का ये भी एक है कि मैं अध्यक्ष ना बन पाऊँ, श्री अरविंद सिंह जी के ऊपर झूठा आरोप लगा दूँ, बच्चों के ऊपर झूठा आरोप लगा दूँ जिससे ये लोग यहाँ पे भागीदारी ना करें। और अभी नगर पालिका का चुनाव तो सबको पता है कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि प्रत्याशियों ने इतनी मेहनत की, श्री अरविंद सिंह जी ने इतनी मेहनत की और जनता ने अपने वोट दिखा दिया कि मैं किसके साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी आई नगर पालिका एक तरफा जीत के आई है और जनता के डिसीजन आप देख लीजिए। अगर ये लोग इसी तरह करते रहेंगे, झूठा झूठा आरोप लगाते रहेंगे, तो मैं कहती हूँ कि जनता खुल के सामने आएगी और आज बीजेपी कल कांग्रेस आएगी, फिर क्या यही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? मेरे ऊपर इतना झूठा श्री अरविंद सिंह जी को मुकदमा लगाया गया है और मेरे बच्चों ऊपर श्री और शाश्वत सिंह ऊपर और मेरे बेटे मेरे भतीजों के ऊपर इतना गलत आरोप लगाया, जनता खुद खड़ी थी, पुलिस खुद खड़ी थी, वहाँ देख रही थी। मैं यही गुजारिश करती हूँ, मैं यही मांग करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष जांच कराएं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा पावर है मध्य प्रदेश का और वो निष्पक्ष जांच कराएं, पुलिस निष्पक्ष जांच करे और ये देखें कि शाश्वत सिंह के पास कोई भी हथियार नहीं है, यादवेंद्र सिंह जी के पास कोई हथियार नहीं, लेकिन झूठा 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 आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस हम लोग की FIR नहीं लिख रही है। मेरा यही कहना है कि पुलिस दोनों तरफे की कार्रवाई करे, उधर का भी करे इधर का भी करे, पुलिस निष्पक्ष, पुलिस की जब वर्दी पहनता आदमी कसम खाता है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, मैं ये वर्दी पहनूं, वर्दी की कसम खाते हैं सब पुलिस वाले। और तो क्या है, हम लोग की तरफ से कोई FIR नहीं लिखी जा रही,
एक ही तरफ से पूरी एफआईआर। आप लोगों की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही, आप लोग पार्टी क्या करेंगे, आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे आंदोलन करेगी पार्टी, आंदोलन करेगी पार्टी, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। पुलिस पर जांच की मांग रखते हैं, एक तरफ वो पूरे आरोप झूठा झूठा आरोप लगाते जा रहे, झूठे झूठे केस बनाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। पूरी पार्टी आंदोलन करेगी, कांग्रेस हम लोग के साथ, पूरी पार्टी हम लोग के साथ है, आंदोलन करेगी सड़क पे आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।